وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يسمع صدر علي وقار معزز مهمانان عظام स्टेज पर तशरीफ फरमा आमायदीन कौम और इस गुलशन आइन के परवानों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। सबसे पहले मैं उस रब्बुल जलाल की खिदमत में सर बसजूद हूँ कि जिसने इस नाचीज को दीन आइन के लिए मुंतखब फरमाया, और अपने वालिदैन का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने इस तरक्की याफ्ता और मादियत परस दुनिया में अपने फर्जंद अर्जुमन को दीन आइन से बहरावर किया। हज़रात, आज का ये दिन मेरे लिए बाद नसीम के हसीन झोंकों से ज़्यादा खुशगवार और नखाते गुल से ज़्यादा मुअत्तर है कि मैं अपनी तालीमी मराहिल में से एक अहम मरहले की तकमील कर रहा हूँ। फ़लिल्लाहिल हम्दु अला दारी। मादर सामाईन किराम, मैं अपने इल्मी रुदार कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म। अपनी इस 11 साल सफ़र की दास्तान इन चंद मिनटों में समेटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बस खुलासा यही है, सुना जो कुछ रफीकाने चमन की सब जबानों में, आया है दास्ता मेरी उन्हीं की दास्तानों में। लेकिन बहरहाल अपनी मुख्तसर सी रुदाद आपके गोश गुजार करूँगा। हाजरीन बस, जब बच्चा होश की आंखें खोलता है तो वालिदैन की यही फिक्र होती है कि अपने लख्त जिगर को इल्म से आरास्ता करें। लिहाजा किसी आरजू और तमन्ना को लेकर मेरे वालिदैन ने मेरा दाखिला उरूज अकेडमी जिद्दा में करवाया। वहाँ पर मैंने तीसरी जमात तक तालीम हासिल की, फिर किसी वजह से मैं स्कूल न जा सका और गर ही में अपनी वालिदा माजिदा के पास कुरानियात और दूसरी दर्सी तालीम जारी रखी। फिर जब हमारा अपने गांव मनकी आना हुआ और हमारा गुजर मदरसा रहमानिया मनकी के पास से हुआ, तो वालिदा महतरमा ने मुझसे अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार किया और कहने लगी कि बेटा, यही वो मदरसा है जहाँ पर तुम्हें तालीम हासिल करनी है और आलिम दीन और हाफिज कुरान बनना है। इसी ख्वाहिश को लेकर मेरे वालिदैन ने मेरा दाखिला मदरसा रहमानिया मनकी के दर्जा सुबह मकतब में कराया। ये मदरसा वो इल्मी गहवारा था जिसने मुझे सबसे पहले इस मादियत परस्ती के आलम में इस्लामी तालीमात से रोशनास किया, और जहाँ मैंने इंसानियत, अखलाक और किरदार का पहला सबक सीखा। अल्लाह के फजल करम और वालिदैन की दुआओं और असातिदा की बेपनाह मेहनतों और काविशों से मैं इस दीनी सुफे में अपनी तालीमी सरगर्मियों में मशगूल रहा और कामयाबी के दर्जात हंसी खुशी तय करता रहा। घड़ी आई वहाँ से फरागत की। अरबी चहारों तक की तालीम से बहरावर होने के बाद मैंने अपना रख्ते सफ़र जामिया इस्लामिया भटकल के लिए बांधा। इब्तदाई अयाम में कुछ अजनबियत सी होने लगी, पढ़ाई से जी उकताने लगा, घर वालों की याद सताने लगी, बार बार घर चला जाता, दर्जे में अक्सर छुट्टियां हो जाती। बावजूद इसके मेरे मुशफिक असातिज़ा हमेशा मेरे दिल को तसल्ली देते और बड़े ही प्यार से समझाते। आहिस्ता आहिस्ता मेरी अजनबियत उनसियत में बदल गई। जामिया की इन अनोखी पुरलुत्फ इल्मी व अखलाकी साफ व शफाफ फिजाओं में सांस ले ही रहा था कि गर्दिश अय्याम की इन तेज रफ्तार तब्दीलियों ने सदाए कूच का ऐलान कर दिया। गोया ऐसा महसूस हो रहा है कि इस प्यासे ने जाम लब पे लगाया ही था कि उसे इस इल्मी जाम को छीना जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, जामिया इस्लामिया की इस चार दीवारी में जो मैंने ये चंद साल गुजारे हैं, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल की जिंदगी में मेरे लिए मशाले राह साबित होंगे। हज़रात, यही वो जामिया है जिसके दामन में मैं उलूमे नबुव्वत से सरफराज होता रहा और सही अकीदे से बहरियाब होता रहा, और यहाँ के असातिज़ा की नसीहत और हमदर्दियों ने इस दिल को भी मोम बना दिया, जिनके मवाइदे हसना से मैंने अपनी जिंदगी का रुख दुरुस्त किया। हज़रात, आज जो मैं इस मकाम तक पहुँचा हूँ कि मुझे उलमा और वारिसीन अम्बिया की सब में खड़ा किया जा रहा है, ये महज अल्लाह का फजल और मेरे वालिदैन, बहन भाई, काबिले कदर असातिदा की दुआओं का समरा है जिसकी बदौलत मैं सफर तय कर पाया हूँ। अल्लाह ताला इन तमाम मुहसिनीन को आजादी से नवाजे, आमीन। सामाईन कराम, ऐसे मौके पर मैं अपनी वालिदा और बहन को कैसे भूल सकता हूँ। वही तो है जिन्होंने हर मौके पर मेरा साथ दिया, जिन्होंने मेरे लिए अल्लाह के पास
रो रो कर दुआएं की, ए अल्लाह तू मेरी वालिदा और बहन को आज आजी माता फरमा। आखिर में मैं मदरसा रहमानिया और जामिया इस्लामिया के तमाम असातिदा का फर्दन फर्दन मशकूर हूँ, जो मेरी हर तरह से फिक्र करते रहे और जो इस बंदे की तालीमी सफर को तय करने में उम्मीद और मुआविन साबित हुए। इसी तरह आलिया राबिया के तमाम साथियों का मशकूर हूँ, खुसूसन मनकी के मेरे रफ़काए सफर, जिन्होंने इस मकाम तक पहुँचने में मेरा भरपूर साथ दिया। और साथ ही साथ मैं मेरे तमाम असातिदा और साथियों से माफ़ी का खासगार हूँ कि जाने अनजाने में मुझसे कोई तकलीफ पहुँची हो या दिल आजारी हुई हो तो खुदा रा मुझे अपना छोटा भाई समझकर दामन आफ में जगह दे। कह रही है दर्द में डूबी फिजाएं अलविदा, कह रही है दर्द में डूबी फिजाएं अलविदा, चार सू छाई है अशकों की फिजाएं अलविदा। ये दरो दीवार ये सहनो चमन ये रौनकें, ये दरो दीवार ये सहनो चमन ये रौनकें, इस तरह तेरी लिफाफत को भुलाएं अलविदा। व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ذي وقار صدر محفل وذي احترام ان مهمان اگرامی و مشرق باغبان چمن و بازوق سامعین و رفقاء بزر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, ओ शमा की आग बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज मैं जिंदगी के उस दौराहे पर खड़ा हूँ जहाँ एक तरफ फूलों के सेज लगे हैं तो दूसरी तरफ कांटों के अंबार, एक तरफ दिल फरेब और दिलकश मंजर तो दूसरी तरफ घबराहट व परेशानी के लामुतनाही एहसास। फिर फरमाइश दास्तान गम सुनाने की जिसके लिए न दिल तैयार और न दिमाग में इसको कबूल करने की सकत। मैं क्या सुना हूँ हाल दिल अब काबिल बयां नहीं, लेकिन तामिल हुक्म बीते हुए अय्याम के चंद यादगार लम्हात को सुपुर्दे किरदार कर रहा हूँ। सामईन बज़्म, आज से तकरीबन 22 साल पहले मेरी पैदाइश हुना और तालुका के एक ऐसे कस्बे में हुई जो हेरंगड़ी के नाम से मौसूम है। उस वक्त वहाँ दीनी तालीम का दूर दूर तक तसव्वुर नहीं था। अहले खाना के दिल में ये बात हमेशा खटकती रहती थी कि अगर यही हाल रहा तो मेरी औलाद दीनी तालीम से महरूम रहेगी। कुर्बान जाऊँ मेरी वालिदा पर जिन्होंने अपने ससुराली इलाके को छोड़कर महज अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत और दीनी तालीम के लिए कस्बे मनकी का इंतखाब किया और सरजमीन मनकी की मारूफ इल्मी दरसगाह मदरसा रहमानिया मनकी में मेरा दाखिला कराया। इब्तिदा में अजनबियत का एहसास हुआ, लेकिन असातिज़ा की मोहब्बत और मौलाना शकील साहब का साया आतिफत मेरे सर रहा तो इब्तिदाई मरहला आसानी तय हो गया। पंजु मकतब की तालीम के बाद मेरी वालिदा का रुझान धीरे धीरे मदरसा मिसबाहुल उलूम गंगोली की तरफ होने लगा। हमेशा इसी फिक्र में रहती कि मेरा लख्त जिगर दीनी तालीम से आरास्ता हो, चाहे उसके लिए दारुल इखामा में क्यों न क्याम करना पड़े। आखिरकार माँ की ममता और मोहब्बत ने दीनी तालीम के साथ सामने अपने घुटने टेक दिए और सिर्फ 9 साल की उम्र में मिसबाहुल उलूम गंगोली में दर्जे हिफ्ज में मेरा दाखिला करा दिया। एक इंसान के तसव्वुर से परे महज 9 साल की उम्र में एक माँ ने अपने जिगर गोशे को दीनी तालीम से मुजयन करने के लिए अपनी नजरों से दूर किया। मुअज्जज़ सामईन, उस वक्त को जब याद करता हूँ तो आज भी दिल कांप जाता है, आंखों से आंसुओं का एक सैलाब रवा हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला तादर सलामत रखे वहाँ के असातिज़ा को जिन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह संभाला और किसी चीज की कमी का एहसास तक न होने दिया। वक्तन फवक्तन कहीं सैर करवाते तो कभी कुछ खिलाने के लिए बाहर ले जाते। असातिज़ा की इतनी मेहनत और लाड़ो प्यार के बावजूद मेरा दिल वहाँ के माहौल से उठता गया था। कभी वालिदा की याद सताती तो कभी भाई बहनों की दूरी का एहसास कर पाता। ऐसे नशे व फराज में मैंने अपनी जिंदगी के कीमती 4 साल गुजार दिए और अल्हम्दुलिल्लाह 15 पारे हिफ्ज कर लिए। लेकिन एपा शैतान को कब गवारा थी कि कोई अपने मकसद में आसानी से कामयाब हो जाए। उसने मुझ पर साजिशों का ऐसा जाल बना कि न चाहते हुए भी मैंने मदरसे को छोड़ने का फैसला कर दिया। असातिज़ा समझाते रहे लेकिन कोई असर न हुआ। सामईन किराम, वक्त का पहिया चलता रहा, जैसे जैसे दिन गुजरते वालिदा की बेचैनी और परेशानी बढ़ जाती। आखिरकार फैसला मुझ पर छोड़ा गया कि मुझे क्या करना है, लेकिन वालिदा यही दुआ करती रही कि मेरा लख्त जिगर किसी दीनी इदारे से मुंसलिक हो जाए। कहते हैं कि दिल से जो दुआ निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो अल्लाह पाक मेरा सीना जुनूब हिंद की सबसे मारूफ दरसगाह जामिया इस्लामिया भटकल के लिए खोल दिया और मैंने बखुशी वालिदा के साथ जामिया इस्लामिया के नूरानी माहौल में कदम रखा तो उलमा का एक ठाटे मारता हुआ समंदर नजर आया। हर तरफ काल अल्लाह और काल रसूल की रूह अफजा सदाएं दिल के निहा खाने को पुरसुकून कर रही थी। फिर साबित मोहतमी में जामिया मौलाना अब्दुल बारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मेरा दाखिला दर्जे में करा दिया। फिर मुझे एक बात दिख रहे मुख्तलिफ
कहीं इत्मीनान न था, लेकिन आखिरकार मौलाना वसीम साहब अरमान के पास अपने हिफ्ज की तकमील की, फरिल्ला अल्हम्दुलिल्लाह तारिक दर्जे हिफ्ज की तकमील के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि तलाश माश के लिए कहीं सफर कर लूं, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। उसी साल जामिया इस्लामिया में एदादिया के दर्जात का ऐलान किया गया, तो मैंने मेरे बहनवी मौलाना साबिर साहब नदवी से मशवरा करके उसमें दाखिला तो ले लिया, लेकिन दिल कहीं और माहिर था। पढ़ाई से दिल बेजारी का एहसास होने लगा, तो मौलाना मुदक्किर साहब ने मेरी बेचैनी और तालीम से बेरगबती और एहसास कमजोरी को महसूस किया, तो वालिदा की फिक्र और उनकी मेहनत और दुआओं को याद दिलाते और मेरी सोई हुई हिम्मत को जगाते और मुझ में एक नया जज्बा पैदा करते, जिससे मेरे टूटे हुए हौसले को एक नया मोड़ मिल जाता और आगे बढ़ने का जुनून पैदा हो जाता। फिर रफ्ता रफ्ता दिन गुजरते गए तो दुनिया ने नई करवट ली और पूरा तालीमी निजाम एक बार की थम सा गया, गोया कयामत का मंजर हो, और पूरा साल इसी इंतजार में गुजारते रहे कि तालीमी निजाम कब शुरू होगा। आखिरकार वो मुश्किल और कठिन दौर भी खत्म हुआ और मैंने पूरी लगन और दिलजमी के साथ इस नए साल का आगाज किया। आखिर नैया डूबते डूबते पार लग ही गई। एक वो वक्त था जब झूठ और बहाने बनाकर मदरसे से राह फरार इख्तियार करता था, और आज ये वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह, न दर्जे में कोई नागा है और न दारुल इकामा में कोई गैर हाजिरी। आज इस मौके पर मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदा रेज हूँ कि जिसके एहसान और करम ने मुझे वारिसिन अंबिया की नूरानी सब में शामिल फरमाया, मैं इसी का फर्ज है। इसके बाद मेरी तीनों मादरे इल्मी के असातिज़ा का फर्दन फर्दन मशकूर हूँ कि जिनके फैजान नजर ने मुझे आज इस मकाम पर खड़ा कर दिया है, खुसूसन मौलाना मकबूल साहब जिनकी दिल छू लेने वाली नसीहतें मेरे डगमगाते कदम को सहारा देती, मौलाना अब्दुल्ला साहब की वो मिलनसारी वो फिक्र अंगेज बातें आज भी मेरे जहन में गर्दिश करती है। मौलाना अब्दुल्ला साहब के साथ दारुल इक़ामा में गुजरे हुए कीमती अय्याम और दर्दमंदाना सुलूक को कैसे फरामोश कर सकता हूँ, ये तमाम अनमिट यादें मुझे जिंदगी के हर मोड़ पर रह रहकर यादें आएंगी। अल्लाह आपका साया हम पर दादर सलामत रखे, आमीन। इस सफर में जिसने कदम कदम पर मेरा साथ दिया, जिसकी आवाजारी और नजर आदिफत ने मेरी जिंदगी को नया रुख देने में कोई कसर न छोड़ी, जिनकी पयाम कोशिशों और मुसलसल तकवों और दुआओं का ही समरा है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो मेरी वालिदा की ज़ात गिरामी है। साथ ही साथ मेरे वालिद और भाइयों का भी मशकूर हूँ जिन्होंने हर बात पर मेरी वालिदा का साथ दिया और मेरी हर फरमाइश हंसी खुशी पूरा करते रहे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मेरे तमाम रूफ़ा जिनके साथ मैंने अपनी जिंदगी के सुनहरे अय्याम और खुशी और अज़म की रातें गुजारी है, हर मोड़ पर शाना पशाना चलते रहे, न कभी तन्हाई का एहसास होने दिया और न कभी गम के बादल को साया मंडराने दिया। आज हमारा शीरा सभी कर रहा है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर रहूँ हमेशा आपकी मोहब्बत और चाहत का गर्विदा बन कर रहूंगा। आखिर मैं जाते जाते जामिया पर एक नजर करता चलूँ, जब मैंने तेरी आगोश में पना ली थी तब मैं तही दामन था, जहन की तख्तियाँ खारिजी असरात से पाक थी, इस पर जो नक्श चढ़े हैं वो तेरे मरहूने मिन्नत है। आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जाते हुए यहाँ की फिक्र व बेबाकी, यहाँ का सोज़ोसाज, यहाँ के आसातिज़ा की आला जर्दी और उख़ुव्वत भाईचारगी की अनमिट मिसालें लेकर जा रहा हूँ। जिंदगी के किसी मोड़ पर कामयाबी की किरण नजर आए तो सर्वसजूद होकर तेरी तरक्की और सरबुलंदी के लिए दुआ करूंगा। अल्लाह तुझे शाद रखे, आबाद रखे और आसमान की बुलंदियों पर एक चमकता सितारा बनाकर चमकाए, आमीन। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين। حاضرین بزم आज की इस बाबरकत महफिल में इस नाचीज को अपने 15 साल तालीमी सफर की रुदात महज चंद मिनटों में बयान करने का हुक्म दिया गया है, जो कि समंदर को कूजे में बंद करने के मानिंद है। हाजरीन महफिल, हर वालिदैन के लिए औलाद एक अनमोल तोहफा होता है और तमाम वालिदैन अपने औलाद के लिए कामयाबी और भलाई चाहते हैं। कुछ वालिदैन दुनियावी तालीम को कामयाबी समझते हैं, मगर कुछ वालिदैन ऐसे भी होते हैं जो दीनी तालीम में अपने बच्चे की कामयाबी ढूंढते हैं। मैं अपने वालिदैन का बेइंतहा मशकूर हूँ कि उन्होंने दीनी तालीम में हकीकी कामयाबी देखते हुए मेरा दाखिला मदरसा रहमानिया मनकी के दर्जा सिबियान में किया। यह वो ज़माना होता था जिसमें न हमें अच्छे बुरे की तमीज़ होती है और न सही गलत की पहचान, बल्कि सिर्फ रोना आता है और हर वक्त बस घर जाने के मुंतजर रहते हैं। पढ़ना लिखना तो दूर की बात, हमें तो बोलना और कलम पकड़ना तक नहीं आता था। उस मरहले में मेरे मुश्किल असातिज़ा ने जो मुझ पर मेहनत की और मेरी तरबियत की और मुझे इस मकाम तक पहुँचाया, मैं उसका बदला कभी नहीं चुका सकता। अल्लाह उनको इसका भरपूर बदला अदा करे, आमीन। फिर मैं महज अल्लाह के फजल और मेरी वालिदा की मेरी पढ़ाई के सिलसिले में बेपनाह तवज्जुहात और दुआओं की बदौलत दर्जा बदर्जा इम्तियाजी नंबरात से कामयाबी हासिल करता हुआ दर्जा अरबी चाहरुम तक पहुंचा।
ऐसा मालूम हो रहा था कि अभी दाखिला हुआ था और अभी मदरसे के दरो दीवार से कानों में अलविदा की सदाएं गूंजने लगी। ये वक्त था जब हमें बादरे नाखास्ता उन असातिदा को अलविदा कहना था जिन्होंने मदरसे के शुरू दिन से हम पर मेहनत की थी, और उस मदरसे से जुदाई का वक्त था जिसने हमें सोचने समझने की सलाहियत और अखलाकी और माशरती ढंग दिया था। फिर अगली तालीम के लिए मेरा दाखिला इस अजीम दरसगाह जामिया इस्लामिया भटकल के दर्जा अलिया उला में हुआ। यहाँ का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था, नए तलबा नए असातिदा, शुरू में थोड़ी अजनबियत महसूस हुई लेकिन यहाँ के असातिदा की दीनी फिक्र और ईमानी जज्बे और रहमदिली और हर वक्त तालीम की तरफ मुतवज्जे कराना, ये सब देखकर हमारी अजनबियत उनसियत में बदल गई और हमारे अंदर भी ईमानी हरारत पैदा हो गई और मजीद दीनी तालीम के हुसूल का शौक पैदा हुआ, जिसकी बदौलत मेरा शुमार वारिसीन अंबिया की सफ में हो रहा है। फलिल्लाहि अलहम्दु अला दालिक। मैं अपने तमाम असातिज़ा का शुक्रगुजार हूँ और दुआगो हूँ कि अल्लाह उनको दोनों जहाँ में कामयाबी नसीब करे, आमीन। और जामिया आने के बाद यहाँ के हॉस्टल में रहने का मौका मिला जहाँ पर तालीम के साथ साथ अखलाकी और माशरती जिंदगी में रहने का सही तरीका सिखाया जाता है। मैं अपने निगरा हजरात मौलाना मुजक्किर साहब और मौलाना फवाद साहब का भी मशकूर हूँ जिन्होंने हर वक्त मेरी तालीम की फिक्र की और मुफीद नसीहतों से नवाजते रहे, खुसूसन मौलाना अब्दुल मुहीद साहब का जिन्होंने हर कदम पर एक मुश्किल बाप की तरह मेरा साथ दिया और हिम्मत अफजाई की और मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ नसाए से नवाजा, अल्लाह उनको भरपूर अज्र से नवाजे, आमीन। अगर मैं इस वक्त अपने खाला और उनके बेटे जनाब मुसद्दिक साहब, जनाब मुदस्सिर साहब, जनाब मौलाना मुजम्मिल साहब, जनाब मौलाना मुजक्किर साहब और मेरे बेनवी जनाब हाफिज अबू जना मुबीन साहब और मेरे चचा जनाब अबू जना मौला साहब का जिक्र न करूं तो बड़ी हक तलफी होगी, जिन्होंने मेरा हर तरह से ताउन किया, अल्लाह उनको भी जजाए खैर अता करे, आमीन। आखिर में मैं जामिया के जिम्मेदारान का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये इल्म का सर चश्मा जारी कर रखा है। मीज में दर्जा आलिया सालिसा का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इस खूबसूरत नशीस का इनकाद किया। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन अलजज़ा व आखिर दावाना अस्सलामु अला सय्यिद अल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व सहबिही अजमाईन अम्मा बाद। मोहतरम असातिज़ा इकराम, मेहमानान इज़ाम और अजीज रुफका, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज की इस वदाई नशिस्त में हुक्म हुआ है कि मादरे इल्मी में बीते अय्याम की रुदात सुनाई जाए। सामईन इकराम, जब मैं अपनी उम्र के 4 साल मुकम्मल कर लिए तो मेरे वालिदैन अल्लाह से दुआ करने लगे, ए अल्लाह अपने लख्त जिगर को ऐसी तालीम से आरास्ता फरमा जो दुनिया और आखिरत में हम दोनों की सुरखुरुई का जरिया हो, और अपने नौनिहाल की तालीम के मुतालिक अपने आज़्म मुसम्मम पर कायम रहते हुए और दुनिया पर दीन को तरजीह देते हुए मेरा दाखिला मदरसा रहमानिया मनकी में कर दिया। रोज़े अव्वल ही से मैं शौक़ व ज़ौक़ से हुसूल इल्म में मगन रहता था, वालिदा की भी खुसूसी तवज्जो रहती थी, लिहाजा मैं दर्जा बदर्जा कामयाबी के मनाजिल तय करता हुआ जब दर्जा चारों मकतब में कामयाबी हासिल की तो वालिद मोहतरम के आरज़ू के मुताबिक मेरा दाखिला दर्जे हिफ्स में हुआ, और वालिद मोहतरम की रहनुमाई और खुसूसी तवज्जुहात और वालिदा मोहतरमा की मेहनत और दुआओं और हाफिज़ अब्दुल मतीन जुकाकू साहब की अनथक मेहनतों और महज अल्लाह ही की तौफीक से हिफ्ज़ कुरान की तकमील की। फिर इन्हीं आयात के मानी व मफाहिम समझने के लिए शोबा आलमियत के दर्जा अरबी अव्वल में दाखिला लिया। 4 साल मदरसा रहमानिया मनकी के आगोश में रहकर तमाम असातिज़ा की खुसूसी तवज्जुहात से अपने इल्मी तिशनगी बुझाता रहा और इल्म फन से आरास्ता होता रहा। मदरसा रहमानिया मनकी से मुझे वो दीनी फिक्र मिली जो इंसान को महज़्ज़ब व मुसफ़्फ़ बनाती है और उसके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाती है और सआदत दारैन के हुसूल का जरिया बनती है। फिर मेरा दाखिला जामिया हाजा के दर्जा आलिया उला में हुआ और यहीं से दारुल इकामा में क़याम का मौका मिला और माशरती ज़िंदगी में जीने का सलीका आया, और यहाँ का दारुल इकामा मेरे इल्म को अमली जामा पहनाने में संगमील साबित हुआ। देखते ही देखते 4 साल का तवील अरसा मुख्तसर अरसे की तरह इख्तिताम को पहुँच रहा है। सामईने बज़्म, जामिया इस्लामिया ने अपने सपूतों के लिए हुसूल इल्म के जो ज़राए और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में मलका हासिल करने के लिए जिस तरह के असबाब व वसाइल मुहैया किए हैं शाज़ व नादिर ही किसी और इदारे में हासिल हो सकते हैं।
जामिया के जिन हसीन सुबह शाम और यादगार साआतों में मैंने सांस लिया, वो यकीनन मेरी ज़िंदगी के हसीन और खूबसूरत पल हैं जो तादम हयात मेरी यादों के बेशकीमत सरमाया होंगे। यहाँ के बेलोस असातिज़ा इकराम की सोहबतें, शफ़क़तें और हमदर्दियाँ रह रह कर याद आएंगी। उन शफ़क़तों के साए में फिक्रो नज़र और कल्बो जिगर को बुलंद परवाज मिली है। यहाँ अखलाक और किरदार के खूबसूरत नज़ारे देखे हैं। यहाँ जज्बात और एहसास को अल्फाज के सांचे में ढालने का तरीका सीखा है। इल्म अमल के हसीन बंधन में बंध जाने की खूबसूरत अदा सीखी है। इख्तिलाफ में एहतराम की अदा देखी है। इशारो कुर्बानी प्यार और मोहब्बत के निराले अंदाज देखे हैं। तलबा के मुस्तकबिल को संवारने और उनके ज़ौक़े इल्म को महमेज़ करने के मुख्तलिफ अंदाज को देखा है। हुफ़्ज़े कुरान के हिफ्ज़ की पुख्तगी के लिए मुसाबिक़ात का इनेकाद हो या शोबे आलिमियत के तलबा के लिए हिफ्ज़े हदीस के मुकाबले, हालात हाजरा से आगही के लिए वक्तन फ़ौक्तन महाजराती नशस्तें हों या ज़माने की आँखों में आँख डाल कर बात करने की सलाहियत पैदा करने की कोशिश, तलबा को ज़ौक व शौक़ की परवाज़ अदा करने के लिए नुमाया कामयाबी पर बेश बहा इनामात के ऐलानात, ये सभी चीज़ें मादर इल्मी जामिया इस्लामिया भटकल की इम्तियाजी खसूसियात के हामिल हैं। अलमुख्तसर, जो देखा और महसूस किया उन सब को अल्फाज का जामा पहनाना मेरे लिए नामुमकिन ना आसान। अल्लाह इस इदारे को शादो आबाद रखे, आमीन। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ इस दरो दीवार की आगोश में पाया है इसे मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए, कौम मिल्लत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए हिदायत की रोशनी का बुलंद मीनार बनाए, आमीन। आखिर में उन तमाम महसिनीन का शुक्रिया जिन्होंने इस इल्मी सफ़र में इसी तरह का ताउन पेश किया हो, वालिदैन, रिश्तेदार, असातिज़ा, बानियान, मुंतज़िमीन, मुलाज़िमीन, दोस्त अहबाब और मेरे लिए नेक तमन्नाएं रखने वाले सभी को सलाम, सभी की मेहरबानी। आपको इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन की खुशखबरी सुनाकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।